चलिए बढ़ते आगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार देश के हर कोने कोने में बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पवित्र त्योहार 10 दिन का होता है। अगर आप दिल्ली में हैं और बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं तो इन मंदिरों में जा सकते हैं। सबसे पहले सरोजनी नगर का श्री विनायक मंदिर। बता दें कि सरोजनी नगर इलाके का ये एक मंदिर पूरी तरीके से गणेश भगवान को समर्पित है। यहाँ भी दक्षिण भारतीय की तरह ही पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा मंदिर है श्री गणेश मंदिर, जो अजमेरी गेट पर स्थित है। आपको बता दें कि श्री गणेश मंदिर की बाहरी दीवारों को मैरून लाल रंग से रंगा गया है और फिर इस पर खूबसूरत कलाकृति भी की गई है। गणेश चतुर्थी के दौरान इस मंदिर में खूब भीड़ भी हो जाती है। दिल्ली का दिल कहा जाने वाले कनॉट प्लेस में फेमस हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की साइड में गणेश मंदिर है। यहाँ भगवान की एक बड़ी मूर्ति पूजा दक्षिण भारतीय मूल के पुजारियों द्वारा की जाती है। आज के दिन आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर की, जो मयूर विहार में स्थित है। इस मंदिर में भक्त परंपरागत रूप से भगवान गणेश को फूल, नारियल, केले और सेंधा चीनी चढ़ाया करते हैं। दिल्ली के अधिकांश गणेश मंदिरों की तरह श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर का डिजाइन भी तमिल वास्तुकला से प्रेरित होता है। हर दोपहर और शाम को यहाँ एक विशेष पूजा आयोजित की जाती है। ये वो सभी मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं और बप्पा का आशीर्वाद ले सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनेंद्र सिंह जुड़ गए। अवनेंद्र, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है, किस तरीके से मंदिरों में तैयारियां की जा रही है, जरा वो बताएं पहले। जी बिल्कुल दीपाली, देखिए गणेश चतुर्थी जिस तरीके से मनाई जाती है और कहा जाए भारत में हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है, उसको लेकर काफी पहले समय से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कहा जाए रोडों के किनारे गणेश जी की जो मूर्तियां हैं लोग बनाते हैं मिट्टी से उन्हें और सजाते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं आज की चतुर्थी पूजा है तो आज जो मंदिरों में है उनकी स्थापना कहा जाए की जाएगी। आज 8 बजे जो है काफी ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह के साथ एक लंबे कतार जो है भक्तों की देखने को मिलेगी। उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शामिल होते हैं और 8:30 बजे मंदिर पर जाकर गणेश जी की मूर्ति को रखते हैं और उसके बाद स्थापना शुरू करते हैं। काफी ज्यादा लोग जो है उनमें उत्साह देखने को मिलता है और काफी ज्यादा लंबे समय से इसकी तैयारी बप्पा मौर्या के लिए कहा जाती है, जिस तरीके से तैयारियां की जाती हैं और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है दीपावली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे।